नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सरजीत चौकन जी, जो कि इस क्षेत्र के बहुत बड़े समाजसेवी हैं तथा आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। हम आज इनसे बात करेंगे इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, और दिल्ली प्रदेश में जो आज सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आप चौकन साहब आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो मैं चौकन साहब से पूछूंगा कि जो समस्याएं हैं इसकी जिम्मेदारी क्या आम आदमी पार्टी को लेनी चाहिए या यहाँ के जो पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा समाजसेवी तो हूँ नहीं, ना ही मैं मुझे कोई चुनाव लड़ना है, ना मुझे मैं इतना बड़ा नेता हूँ क्षेत्र में, लेकिन क्षेत्र के बारे में इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, अब जनता यहाँ की बगावत पर उतर सकती है, रोड पर आ सकती है। भाई साहब, गरीबों के मकान सील हो रहे हैं, कोई पुराना मकान में रिपेयरिंग कर रहा है, कोई छत नहीं डाल रहा, कोई दीवार नहीं कर रहा है, उसको नहीं करने दिया जा रहा, उसके मकान सील कर रहे हैं बेचारे गरीब आदमी। 35-40 साल पुराने मकान हैं। आज समरसीबल क्षेत्र के अंदर समरसीबल भी अगर कोई रिपेयरिंग करता है या बगल में नया लगाता है, उसको नगर निगम द्वारा ये मकानों पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या यार इन नेताओं को दिखता नहीं है? तो चौकन साहब, इसकी जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी को लेनी नहीं, आम आदमी पार्टी ऐसा है, आम आदमी पार्टी भी लेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। संघर्ष तो वो कुछ कोई करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो बीजेपी के जो नेता हैं, हमारे एमपी साहब हैं, ये तो सब अपने घर में सो रहे हैं। जी सर, तो क्या इसकी जिम्मेदारी हमारे विधायक को लेनी चाहिए आम आदमी पार्टी? विधायक ने संघर्ष पहले भी किया है, इसमें ऐसा नहीं है नहीं किया है, किया है, हमने सबने मिलकर किया भी है भाई, और आगे भी अब बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं, और हो सकता है जनता भी अब इसमें रोड पे उतर जाए। तो इसका मतलब हम ये माना जाए कि जो यहाँ की समस्या है उसकी जिम्मेदार आपके पार्षद हैं? हाँ भाई साहब, एक बात बताओ, कोई भी प्रतिनिधि हो, आप एक बात बताइएगा, जो मैंने जो सुना है टीवी में देखा भी है, एक अगर जो गांव का प्रधान होता है वो विधायक से ज़्यादा काम करा लेता, लेकिन लगन होनी चाहिए उसमें, उसमें कुछ विश्वास होना चाहिए, उसकी नीयत सही होनी चाहिए। भाई साहब, एक बात बताओ, मैं एक राजनीति से अलग हटकर ये बात कर रहा हूँ, क्या इन लोगों को भाई साहब शर्म नहीं आनी चाहिए? अरे एक बार ये तो देखो यार, हम सब यहीं पड़ोसी हैं। अरे पार्टी राजनीति तो बात की बात है यार, बदनामी हो रही है पूरे क्षेत्र की। सर, यही सवाल जो आज सबसे बड़ा खड़ा हुआ है, क्षेत्र की जनता जो सवाल पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि आज हम इन समस्याओं को किसके गले में डालें, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, जिम्मेवार ईमानदारी से मैं बताता हूँ, जिम्मेवार एमपी साहब को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए, ये एक सच्चाई है क्षेत्र के अंदर। और दूसरा, उनके जो प्रतिनिधि निगम पार्षद जीते हैं वो सब मिल करके उनके पास भी जाएं, जनता को भी लें। अगर जो जनता की जरूरत है, हम पार्टी नेतागिरी से अलग हटके हम इस मुद्दे को लेकर के चलने के लिए तैयार हैं, कहीं संघर्ष करना है संघर्ष करेंगे, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन देखिए क्षेत्र का बहुत ही बुरा हो रहा है। इसका मतलब आपका कहना यह है कि इसकी जिम्मेदारी जो इस देश की जो सरकार है वो नहीं लेगी, इसकी जिम्मेदारी जो भाजपा है उसके पार्षद है वो लें या उनके एमपी लें? देखिए जी, आपका कहना केंद्र का मुद्दा है, पुलिस केंद्र की है, यस, ये एक सच्चाई है। चौकन जी का कहना है, चौकन जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो समस्याएं हैं ये केंद्र के अंतर्गत आती हैं, ये केंद्र की समस्याएं हैं, आपका कहना है? हाँ जी, केंद्र की है। सीलिंग का मामला है, उसके बाद बावजूद जी इसमें जो जैसे अब हम भी हैं, छोटे मोटे नेता यहाँ पर हैं अपने, और भी हैं, और भी लोग हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि नेतागिरी को छोड़ो, पहले इस मुद्दे को ले लो आपस में मिलकर के, ये क्षेत्र की बदनामी हो रही है, क्षेत्र में बची क्या रहा है मेरे भाइयों, नाली सड़क तो सब बनी जाएंगी। चौकन साहब, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सीलिंग की समस्या है, तोड़फोड़ की समस्या है, पानी की है, ओजोन इसको घोषित किया गया उसको लेके प्रॉब्लम है, सब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको मानते हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्र की समस्या होती है? सबसे बड़ी समस्या यही है, आज पुराने मकानों की रिपेयरिंग भी अगर जो करना चाहें, देखिए मकान गड्ढे में चले गया, किसी की छत खराब हो गई, बरसात में पानी आ रहा है, भाई साहब वो अपनी छत नहीं बनाएगा, कौन सा ऐसा कानून है उसको छत बनाने से रोक देगा? लेकिन ऐसा कौन सा नेता जिसने अब तक आवाज उठाई हो इस बात पे? अरे शर्म करनी चाहिए उन नेताओं को। आप चाहते हैं कि ये रिपेयर और मेंटेनेंस के काम होने चाहिए, होने चाहिए, इनको कौन रोक देगा जी? अब ये तो जबरदस्ती हो रही है क्षेत्र में। अभी जो काम हो रहा है क्षेत्र में, क्या वो कानूनन हो रहा है या लेन देन होके होता है? देखिए भाई साहब, काम अगर जो कोई करा लेता है, कोई कराता है तो कोई सेटिंग वेटिंग से करा लेता है, लेकिन उसका भी बड़ी मुश्किल से ही होता है। आप एक बताओ, समरसीबल यार पानी है खराब हो गया, उसको बगल में लगाना है, बदलना है, यार इतने कोई हम कोई दूसरे देश के लोग थोड़ी हैं। तो चौकन साहब, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इसके नाते आप अपील कर सकते हैं विधायक को, एक, संसद में इस बात को उठाएं। देखिए, मैं एक समाज के नाते, क्षेत्रवासी होने के नाते,
अपील कर सकता हूँ, विधायक जी से भी करूँगा, एमपी साहब से भी करूँगा, और जो क्षेत्र में और मौजूद लोग हैं जो अपने आप को फोटो चमकाते हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा। हाथ जोड़ कर देखिए, मेरी बुरा मत मानना मेरी बात का, नहीं, नहीं, फोटो बाद में चमकाना, क्षेत्र का आज क्या मट्टी खराब हो रही है पहले इसको देख लीजिए। अरे सब एक हो जाओ, क्या दिक्कत है भैया, एक होकर लड़ाई लड़ लो इसकी। तो अभी तक तो जो चार साल से जो सरकार आपकी चल रही है, अभी तक तो ये था कि भाई केजरीवाल को काम नहीं करने देते एलजी साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी आ गया है कि वो काम कर सकते, उनकी पावर आ गई है। काम होंगे भैया, काम तो हो रहे हैं, जैसे देखिए सड़क नाली तो बनेंगी, वो तो बननी है ही है। अब ये आश्वस्त करते हैं आप क्षेत्र की जनता को कि आने वाले टाइम में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो क्षेत्र की जनता के लिए काम करेगी। नहीं, क्षेत्र के लिए काम कर रही है वो, लेकिन सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर भैया यही समस्या है, जो कि हमारे यहाँ जो लोग सभा प्रभारी हैं चड्डा साहब, ये ईमानदारी की बात है, मैंने उनसे बोला है और सबके सामने बोला जी हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, देखिए आप इस समस्या के लिए संघर्ष करो, क्षेत्र आपके साथ है। दूसरा, हमारे यहाँ जो सीवर के लिए नहर से इधर एक समस्या है, आपने बोला सीवर कराएंगे, सीवर हमारे यहाँ कराओ, ये हम वादा करते हैं क्षेत्रवासियों की तरफ से करते हैं, चाहे मुझे क्षेत्र के लोगों के पैर पकड़ने पड़े, सबसे ज़्यादा वोट आपको दिलवाऊंगा। लेकिन समस्या यही है कि सबसे पहले हमारी समस्याओं को देख लो भैया, ये क्षेत्र में एक दो चार ईंट नहीं लगा सकते तो क्या रहना है हमारा। तो ये जो बीजेपी का पार्षद है, इसके द्वारा किए गए कामों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं किसी की बुराई भलाई नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ वो काम तो जैसे पहले होते आ रहे थे, जो जिंदे लोग पहले थे वो अब भी होंगे, और जिनको भगवान ने बुलाना होगा भगवान उनको बुला लेगा, ये तो सब चलता ही रहेगा। चलिए व्यक्तिगत आप आरोप मत लगाइए, आप व्यक्तिगत आप बात मत रखिए, मेरा उनके द्वारा की मेरा ये है, उनके बारे में आपका क्या? मेरा कहना ये है, इस क्षेत्र से सारे नेताओं ने, पूर्व नेताओं ने देखिए अपना भला कर लिया, आज इस क्षेत्र से जाने गए वो, इस क्षेत्र से धन कमाया और इस क्षेत्र को गड्ढे में डाल दिया। मतलब चौकन साहब का कहना यह है कि चाहे नेता कोई भी रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, और उसने केवल और केवल अपने पेट को भरा और इस क्षेत्रीय जनता को ठगा है। हाँ, इस बात से आप सहमत हैं? हाँ जी, इस बात से मैं सहमत हूँ, पूर्व नेताओं ने, देखिए अगर जो अब भी संघर्ष नहीं हुआ इस क्षेत्र में तो भैया हम तो राजनीति से हाथ जोड़ लेंगे, हम पाप नहीं कमाएंगे, भैया संघर्ष करने आ जाओ आगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और जो संघर्ष करेगा उसके साथ जनता को हम लाएंगे, हम पैर पकड़ेंगे जनता के जूते हम खाएंगे। तो चौकन साहब, इस संघर्ष की जिम्मेदारी आप लीजिए, आप आगे आइए, आप इस क्षेत्र की जनता को देखिए, सबका सहयोग से होता है। अब वैसे मैंने सोचा है ईमानदारी से कि राजनीति से अलग हटके मैं एक इस संघर्ष को जरूर करूँगा, देखिए इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूँ, जी इतना बड़ा रईस मैं भी नहीं हूँ भैया, करूँगा और करता आए हैं हमने, हमसे तो देखो जी पहले हमारे पिताजी ने धरना दिया था वहाँ। चौकन साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बातों से जो प्रतीत हो रहा है कि आप आम आदमी पार्टी से भी खपा हैं कहीं ना कहीं? नहीं, मैं राजनीति से खपा नहीं हूँ जी, न किसी पार्टी से खपा हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ भैया हमारे क्षेत्र का आज बुरा हाल हो गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ नेताओं को सुन लो, नहीं तो जनता आए अब रोड पर उतरने में कसर नहीं रह गई है। आप भी तो आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इस पर तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं क्षेत्रवासी होने के नाते ये बातें कह रहा हूँ, नेतागिरी की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये मान लिया जाए कि चौकन साहब इस बात से बिल्कुल त्रस्त हैं, मानते हैं इस बात को कि अभी तक जो क्षेत्रीय पार्टियों ने यहाँ के सांसदों ने और यहाँ के पार्षदों ने जो काम कराए हैं वो संतोषजनक नहीं है, क्षेत्रीय जनता में रोष है, विरोध है, और चौकन साहब अपनी तरफ से इस बात को रख रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे।